नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं डिटेल से इस वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लोग सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। तो आपको दोस्तों गूगल पर जाना है, गूगल में आपको सर्च करना है बीयू बिलासपुर, उसके बाद दोस्तों जो लिख के आएगा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग जो है नीचे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, जहाँ पर कॉल डायरेक्शन सेव एंड वेबसाइट, तो हमें वेबसाइट पर जो है क्लिक करना है। जैसे हम लोग वेबसाइट पर क्लिक करेंगे दोस्तों बिलासपुर यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट खुल जाएगा। मेन वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्विक लिंक, अगर इस प्रकार से लिखा नहीं आएगा तो आपको क्विक लिंक पर जो है सिलेक्ट करना है। फिर एडमिशन 2021 पर आपको जो है क्लिक करना है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा 2021 पर, इसी पर क्लिक करेंगे दोस्तों पेज हमारा जो है रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। यहाँ पर जो है लिख कर आ रहा है महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में संचालित स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होगा, जिसमें 5 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। अब मैं इसमें आपको आवश्यक दस्तावेज बता दूं, आपको अपना आधार कार्ड 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और आप लोगों का मोबाइल नंबर और छात्र का स्वयं का जीमेल आईडी का जो है ज़रूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है इस 3-डॉट लाइन पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ रहे हैं कॉलेज सर्च, कोर्स रिपोर्ट, IMP नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क एंड रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो हमें केवल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद दोस्तों उसका जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ईमेल आईडी देकर जो है इस फॉर्म को जो है फिल करना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर फिल हो रहा है जी हाँ दोस्तों। उसके बाद जो है हमें पासवर्ड देना है, जिसमें आपको अल्फाबेट के हिसाब से कुछ नंबर और कुछ अल्फाबेट अक्षर देना है। उसके बाद कंफर्म करके ईमेल आईडी को जो है फिल कर देना है। उसके बाद न्यू रजिस्टर है उस पर क्लिक करना है। ये दोस्तों पेज जो है आगे खुला है। इसके बाद जो है फाइंड योर एप्लीकेशन, तो आप याद रखें दोस्तों पासवर्ड को अच्छे से देना यह दोस्तों। फिर इसके बाद जो है आपको जो है इस आवेदन के लिए एक बार जो है 50 रुपये शुल्क देना है, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। और मोबाइल नंबर जो है आप अपने ही देना, ताकि कोई भी आप सूचना दिया जाता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वगैरह भेजा जाता है। तो जैसा कि आप लोग इस सूचना को पढ़ पा रहे हैं यह दोस्तों, जिसमें आवेदक के लिए जो है प्रवेश पंजीयन शुल्क 50 रुपये है और प्रथम वर्ष आयोजित की जाएगी बोल रहे हैं प्रवेश परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में स्नातक। जी हाँ दोस्तों फिर आप जो देख पा रहे हैं पेज जो है इसको आप जो अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो है जो इस पर जो जो जानकारी दिया है उसके हिसाब से इस पर जो है आपको सभी जानकारी को पढ़ने के बाद पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो नीचे आकर जो है आप आई एग्री एंड एक्सेप्ट पर जो है क्लिक करके पेज आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद पेज जो है आगे खुल रहा है। खुलने के बाद दोस्तों आपको जो है कुछ जानकारी मांग रहा है कि आप छात्र 2019-2020 माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तो यस अगर है तो यस। फिर उसके बाद उसका रोल नंबर फिल करना है आपके 12वीं का। जी हाँ दोस्तों, आपको रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद जो है आगे पेज खुलेगा, सर्च रोल नंबर पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पेज जो है आगे खुल रहे हैं दोस्तों। फिर जैसे पेज आगे होगा उसके बाद आपको जो संपूर्ण जानकारी, आपको रोल नंबर भरने के साथ ही संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों हमें जो है यहाँ पर बगल पर आते हैं जिसमें वेरीफाई एंड फिल फॉर्म है, इस पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है पेज आगे खुलेगा, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आगे जो है फॉर्म खुल गया है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मांग रहा है, जिसमें सेक्शन अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन BA BSc BCOM BBA। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे उसके बाद आपको जो है नीचे आपको कितने वर्ष और कितने माह कितने दिन हो रहे हैं वो भी यानी कि भर कर आ जाएगा। स्वयं जैसा कि देख पा रहे हैं इसे 18 वर्ष 3 माह ओल्ड हुआ है। फिर आपको अपना जेंडर डालना है, अगर लड़की है तो फीमेल, लड़के है तो मेल। यह दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी के हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर, फिर दिव्यांग, फिजिकल देना है। तो अगर आप यानी विकलांग दिव्यांग है तो यस, और नहीं है तो नो, और फिल करके आगे जो है फॉर्म बढ़ा देना है।
फिर आप जो है आपको स्ट्रीम जो है बारहवीं में जो शाखा में थे वो जानकारी दे रहे आप आर्ट्स थे, उसके बाद लास्ट ईयर पास, फिर आपको सीजी बोर्ड रायपुर, आपको रोल नंबर, फिर कितना नंबर मिला है वो आपको दिखा रहा है, फिर आपको अंक प्रतिशत पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पेज जो है आगे खुलेगा, आपको जो है पर्सनल डिटेल है इसमें, ग्रुप अगर पता नहीं है तो फिर छोड़ दें, अगर पता है तो लिख दें। इसके बाद फादर मदर्स और आपको भाई किसे भी पूछ रहा है दोस्तों, अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अब जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जो भी आप यहाँ पे फिल करना है, तो हम हिंदू हैं इसलिए हिंदू पर क्लिक करते हैं। फिर आपको जो है स्टेट, स्टेट हम जो है छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़, और आपका जिला कौन से जिले में रहते हैं उसको जो है फिल करना है। फिर आपको जो है अपना पता जो है वर्तमान पता जो है फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपना पता और पिन कोड, ये जो है पिन कोड है। फिर आपका आधार नंबर जो है फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, तो है ध्यान से जो है अपना आधार नंबर फिल करना दोस्तों, ताकि कोई भी गलती ना हो कि आप राष्ट्रीयता वो आपको फिल करना है इंडियन या अन्य स्टेट यानी अन्य देश से है तो उसको जो है फिल करना है। तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक नहीं है। यह है दोस्तों कि आप फ्रीडम फाइटर या सैनिक फैमिली से हैं तो नो, आपका स्थानीय अभिभावक आपके जो है निवास पर आपकी स्थानीय में आपको देख रेख करने वाला अगर कोई और है माता पिता के अलावा तो उसका नाम अगर नहीं है तो उसका, अगर नहीं है तो अपने माता पिता का ही नाम, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आपका नाम जो है फिल करना चाहिए, अपनी अपने भाई या किसी भी का जो फिल कर सकते हैं, या अपने मम्मी पापा का भी जो है फिल कर सकते हैं। इस पर जो प्रकार जो फिल हो रहा है दोस्तों, यह है दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद अपने फादर का जो है मोबाइल नंबर या अभिभावक का, फिर उसके बाद जो है आपको जो है दसवीं का रोल नंबर इसके नीचे में जो है फिल करना है, यहाँ पर दसवीं का रोल नंबर जो है फिल करना है आपका। दोस्तों बता दूं कि इसके लिए आपको जो है यानी कि फोटो और सिग्नेचर नहीं लग रहा है, आपको अलग से फोटो जो है चिपकाना पड़ेगा इस फॉर्म पे। तो इस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सेव पर क्लिक करना है, जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो पेज जो है आगे खुलेगा, उसके बाद जो है यह पर्सनल डिटेल सेव बोल रहे हैं, उसके बाद आपको जो है पेमेंट पे करना है, ₹50 जो है आपको एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद जो है आप कहीं भी कोई भी कॉलेज में डाल सकते हैं। तो जैसे पे पर हम लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों पे पर क्लिक करने के बाद जो है अगर आपके पास HDFC बैंक है, HDFC क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अन्य बैंक या नेट बैंक से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो है HDFC बैंक है, HDFC क्रेडिट डेबिट और अदर बैंक क्रेडिट डेबिट और नेट बैंकिंग। तो आप किसी भी पर जो है अगर डेबिट कार्ड है तो डेबिट, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट पर जो है टच करना है। उसके बाद आपको जो है कार्ड जो है वीजा कार्ड, मास्टर का कार्ड, कौन सा कार्ड है उसको जो है फिल करना है। तो जैसे कि आप लोग, उसके बाद अपना कार्ड नंबर जो है फिल करना है दोस्तों। तो मैं अपना कार्ड नंबर फिल कर रहा हूँ, उसके बाद कार्ड पर जो नाम है उसको जो है फिल करना है दोस्तों। तो उसके बाद जो है फिल करने के बाद आगे कंफर्म करेंगे तो आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके बैंक में है, तो उस पर जो है OTP आएगा, उसको यहाँ पर जो है फिल करना है। फिल करने के बाद जो है मेक पेमेंट पर जो है कंफर्म कर देना है। फिर दोस्तों कंफर्म पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप आगे पेज जो है खुल जाएगा तो उसके बाद जो है आपको जो है अपना एकेडमिक ईयर, आपको जो है अपना कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए जो है मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरा पेमेंट जो है कंफर्म हो गया है ₹50 का, अब मैं कई भी कॉलेज में जो है डाल सकता हूँ एक्शन। तो अब आपको जो है कॉलेज डिटेल देना है अपना। तो जैसे पेज आगे खुलेगा तो यहाँ पर जो है कॉलेज सेक्शन पर जो है जाना है। कॉलेज सेक्शन पर जाने के बाद जो है हमें जो है यहाँ पर जो है घोषणा पत्र दिया है, आप इसमें आपके अभिभावक का जो है सिग्नेचर करवाना है आपको इसमें जहाँ जहाँ पर है। यह दोस्तों जो है यही पर जो है अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ दोस्तों मेरा जो है ATM से जो है पैसा यानी बैंक खाते से कर यहाँ पर एक्सेप्ट एग्री पर कर देना है। फिर पेज जो है आगे खुलेगा, उसके बाद जो है आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ दोस्तों पेज जो है आगे खुल गए हैं। यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर अदर कॉलेज दिया है, अप्लाई फॉर अदर कॉलेज कोर्स, यहीं पर जो है क्लिक करके जो है आगे बढ़ सकते हैं कोई भी एक में।
जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ दोस्तों पेज जो है आगे खुल गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप कोर्स और एग्जाम, अगर बीए बीएससी बीकॉम को बीबीए कौन से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए में तो बीए, बीकॉम तो बीकॉम, या बीएससी होम साइंस पार्ट वन, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कौन से कॉलेज लेने हैं, कॉलेज गवर्नमेंट या प्राइवेट, उस पर जो है क्लिक कर हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। और आप जो है आपको कॉलेज कौन से जिला में है, जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बिलासपुर है तो हमें जो है जहांगीर जिला में एडमिशन लेना है, तो इसे जो है हम जहांगीर करना है। यहाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यह दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमें कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा। जी हाँ दोस्तों ये आ गया, जहांगीर जिला में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में है ये। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि हमें लेना है गवर्नमेंट लक्ष्मीश्वर कॉलेज खरौद में जो है एडमिशन लेना है, तो वहीं पर जो है गेट सब्जेक्ट पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे पेज जो है आगे खुल जाएगा और हमें सब्जेक्ट और एडमिशन फीस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो सभी जानकारी आ गए हैं, यानी कि एडमिशन फीस और उस कॉलेज कौन कौन से सब्जेक्ट उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है सोशियोलॉजी, यानी कि आपको कोर्स कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके बारे में, आपको कोई भी तीन सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम से एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों हमें जो जो सब्जेक्ट लेना है उसको जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पेज जो है आगे खुलेगा, जैसा कि हमें जो है इन सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि ये देखिए हिंदी लिटरेचर है, एक है जियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल साइंस है और एक सोशियोलॉजी। तो इस प्रकार से हम जो है तीन सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं एक साथ। यह दोस्तों जैसे कि आप लोग इस पर बोल रहे हैं ग्रुप ए से एफ में किसी भी तीन विषय का चयन करना है, किंतु एक ग्रुप में एक से अधिक विषय को ही ले सकते हैं। एग्री एंड सेव पर क्लिक करने के बाद पेज जो है आगे खुल जाएगा। यह दोस्तों फिर आपको जो है अप्लाई फॉर अदर कॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट लिए हैं उसके बाद जो हमें प्रिंट पर क्लिक करना है। अगर प्रिंटर से लगा हुआ है तो प्रिंटर, अगर नहीं है तो प्रिंट टू सेव कर सकते हैं, जो है इसे पीडीएफ के रूप में जो है सेव कर सकते हैं, और बाद में जो हम उसे जो है जाकर बाहर में जो है कहीं भी कंप्यूटर सेंटर में जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे जो है हम पीडीएफ रूप में सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम जो है किसी दूसरे कंप्यूटर सेंटर में जाकर जो है हमें जो है प्रिंट करवाना है और कम फीस में जो है हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं इसे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो है सेव कर रहा हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैं इसे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो है सेव कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों पीडीएफ फॉर्म जो है सेव हो रहा है। सेव होने के बाद इसे आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने नहीं है, इसमें जो है आपको फॉर्म प्रिंट करवा के उस पर चिपकाना है और उसी पर सिग्नेचर करना है और अभिभावक का जो है सिग्नेचर करवाना है। तो इस पर देख पा रहे हैं इसमें बोल रहे अफिक्स ऑन पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट कलर फोटोग्राफ, तो इस पर चिपकाना है प्रिंट करवा के और सिग्नेचर करना है। आपको सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और अपने अभिभावकों का जो है सिग्नेचर करवाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर हिंदी प्रिफर करते हैं हिंदी इंग्लिश कर पढ़ पाते हैं तो इंग्लिश कोई किसी भी लैंग्वेज पर आप जो है पढ़ सकते हैं। यह दोस्तों इस प्रकार से जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं।